अब बात करेंगे अबाउट एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंजाइटी होता क्या है? इट इज़ एन इमोशनल स्टेट अनप्लेजेंट इन नेचर एसोसिएटेड विद अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट एंड कंसर्न और फियर अबाउट सम डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट। थोड़ी एंगजाइटी नॉर्मल है। ट्रीटमेंट चाहिए होता है जब वेन इट इज़ डिसप्रपोर्शनेट टू द सिचुएशन एंड एक्सेसिव। कुछ साइकोटिक्स और डिप्रेस पेशेंट्स कैन ऑल्सो एग्जिबिट पैथोलॉजिकल एंगजाइटी। इल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, माइंड सीनेस डिप्रेसेंट्स होते हैं, विच आर एम टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एंगजाइटी, प्रोड्यूस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड विदाउट इंटरफियरिंग विद। अब बी डी एस एम डी एस वाले अपने कान खड़े कर लो और सुनो। डेंटिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एंटी एंगजाइटी ड्रग्स इज फॉर द प्री मेडिकेशन ऑफ एप्रीहेंसिव पेशेंट्स एंड एज एडजंक्ट्स टू लोकल एनेस्थीजिया। एंटी एंग्जाइटी बेंजोडाइजेपिन्स दे ऑल्सो काउंटरैक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्टेड फॉर डेंटल एनेस्थीजिया। फिर एंग्जियोलिटिक सेडेटिव ड्रग्स डिफर करते हैं एंटी साइकोटिक्स, दे क्लोजली रिजेंबल सेडेटिव हिप्नोटिक्स। पहली बात, दे हैव नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट टू कंट्रोल थॉट डिसऑर्डर ऑफ शिजोफ्रेनिया। दूसरा, डू नॉट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। ए टिपिकल एंटी साइकोटिक्स भी नहीं करते एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो एंटी कन्वर्सेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, दे प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस एंड दे कैरी अब्यूज लाइबिलिटी, जो कि एंटी साइकोटिक्स में कम है अब्यूज लाइबिलिटी। फिर इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट SSRI SNRI OCD फोबिया पैनिक सीवियर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसको GAD कहते हैं, उसमें भी देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी इज़ बेंजोडाइजेपिन्स। अब तो SSRI फर्स्ट लाइन ड्रग बन गए हैं फॉर सस्टेन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। लोराजेपाम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक्स, जबकि सस्टेन ट्रीटमेंट के लिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स आर प्रेफर्ड।